हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में थर्ड T20 मैच भी खेला जा चुका है और अनफॉर्चुनेटली उस मैच में इंडिया मतलब फिर से हार गया है। मतलब क्या बता, बहुत ही मतलब बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है अगर इंडिया हारता है तो। बहुत ही डिसअपॉइंट था मैं पिछले रात को, बहुत ही बुरा लगता है। तो अभी T20 मैच को थर्ड T20 मैच को जीतकर इंग्लैंड 2-1 से बढ़त ले लिया है और इंडिया को अभी बाउंस बैक करना ही पड़ेगा। मतलब नॉकआउट गेम हो गया है अभी, अगर सीरीज जीतना है तो पिछले 2 मैच जीतो और सीरीज जीत लो, नहीं तो 1 मैच अगर हार गए तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगा। मतलब 1 मैच अगर हार गए तो इंग्लैंड भी जीत सकता है। तो हम इंडियन फैंस के लिए तो ये एक बहुत ही एक क्रुशल मोमेंट है। और आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया ये सीरीज क्या जीत सकते हैं, वो अभी आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बता दीजिए। तो अभी अगर बोला जाए कि थर्ड T20 मैच से हम लोगों को मतलब इंडियन फैंस को पॉजिटिव चीज क्या मिला है, तो अगर पॉजिटिव चीज बोला जाए तो विराट कोहली का जो नॉक था वो भाई माइंड ब्लोइंग था। मतलब क्या बताए, बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि सभी खिलाड़ी मार कूट को ठीक से नहीं खेल पा रहा था पहले के समय। जब विराट कोहली सेट हुआ फिर एक बार एकदम सामने क्रीज के सामने आकर जो छक्का मारा साइड में और जो स्टेप आउट करके सामने छक्का मारा मारगुट को, उसके बाद जो चौका मारा, मतलब क्या बात है, क्लासिक शॉट था, सभी क्लासिक शॉट, और वो देखकर मन तो गार्डन गार्डन हो गया था। तो अभी अगर हम फोर्थ T20 के बारे में बात करें तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को फोर्थ T20 कौन से डेट में, कौन से टाइम पर, कौन से वेन्यू में होने वाला है वो बताने वाला हूँ। और उसके साथ बताने वाला हूँ कि जो फोर्थ T20 होने वाला है उसके लिए इंग्लैंड टीम और इंडियन टीम का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। मतलब दोनों टीमों का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 मैं पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। और उसके बाद लास्टली मैं इंडिया वर्सेज इंग्लैंड मैच को प्रेडिक्ट करने वाला हूँ, मतलब कि कौन सा टीम इस मैच को जीत सकता है और कितना विनिंग परसेंटेज से जीत सकता है, तो ये भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को और एक बार बताना चाहूंगा कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा और मेरा थोड़ा नहीं बहुत ही भला हो जाएगा। और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरा डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो और नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए, क्योंकि यूट्यूब और नोटिफिकेशन अगर नहीं दबाते तो यूट्यूब अपने आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा मेरे वीडियो का। और एक बार प्लीज जरूर से एक लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक और कमेंट नहीं करते तो YouTube रीच भी नहीं देता है। मतलब रीच का मतलब है YouTube और किसी के पास इतना अच्छा कंटेंट भी नहीं पहुंचाएगा। तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर बताया जाए कि इस मैच को कौन से डेट में, कौन से टाइम में, कौन से वेन्यू में खेला जाने वाला है, तो आप लोगों को जानना चाहिए कि ये मैच भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होने वाला है। लेकिन ये मैच 18 मार्च को खेला जाने वाला है और ये मैच होने वाला है शाम 7:30 बजे से। तो ये मैच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये मैच तो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडियन और इंग्लैंड टीम का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, तो सबसे पहले अगर हम इंग्लैंड टीम का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है इस मैच के लिए वो अगर बताया जाए, तो सबसे पहले मतलब आप लोगों को जानना चाहिए कि इंग्लैंड टीम में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, क्योंकि जो टूटा ही नहीं है उनको तोड़ना क्यों। तो इसीलिए इंग्लैंड के टीम में सबसे पहले ओपन करने वाला है जॉस बटलर और जेसन रॉय, उसके बाद तीसरे नंबर पर डेविड मिलर, 4 नंबर पर जॉनी बेयरस्टो, 5 नंबर पर यॉन मॉर्गन जो कि इस टीम के लिए कप्तानी भी करने वाला है, उसके बाद 6 नंबर पे बेन स्टोक्स, 7 नंबर पे सैम करन, 8 नंबर पे क्रिस जॉर्डन, 9 नंबर पे जॉफ्रे आर्चर, 10 नंबर पे आदिल रशीद और लास्टली 11 नंबर पे मार्क वुड। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मतलब इंग्लैंड टीम का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 हो सकता है, मतलब चेंजेस का कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडियन टीम का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 फोर्थ T20 मैच के लिए क्या हो सकता है, तो आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इस टीम में तो चेंजेस होने ही वाला है। तो आप लोगों को पता ही है कि इंडियन टीम में ओपनर्स को लेकर बहुत ही परेशानी चल रहा है, क्योंकि राहुल का 3 मैच में तीनों मैच में ही रन नहीं आया है, सिर्फ 1 रन क्या है तीनों मैच मिलकर। तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि राहुल भी बहुत ही बुरा मतलब एक फेस से जा रहा है। तो हम इंडियन जो कैप्टन है हमारा विराट कोहली, वो बताया था कि राहुल और रोहित ही हमारा फर्स्ट चॉइस ओपनर है, लेकिन 3 चांस तो मिल गया है वो राहुल को, तो फिर भी क्या और भी चांस देना चाहिए, तो आप लोग मुझे जरूर कॉमेंट करके बताइए। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि अभी भी उनको चांस देना चाहिए। मैं जानता हूँ कि वो फॉर्म में आएगा, वो अच्छा खेलेगा, लेकिन अभी तो अच्छा नहीं खेल रहा है। ये सीरीज अगर आप लोगों को जीतना हो
तो ओपनर्स को चलना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड का ओपनर्स क्या खेल रहा है, जैसे रॉयगर बटलर भी, और इसी वजह से इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर में उतना प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर ओपनर्स ही हमारा इंग्लैंड नहीं चल पाया तो मतलब बहुत ही परेशानी हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कि इस टीम में अभी राहुल को चेंज करना ही पड़ेगा, और राहुल का अगर चेंज किया जाता है तो उनके जगह पर मुझे तो लगता है कि एक एक्स्ट्रा गेंदबाज आप खिला लीजिए, क्योंकि पांच बॉलर्स को लेकर उतरना एक बहुत ही मतलब रिस्की ऑप्शन है, क्योंकि अगर किसी भी बॉलर्स का दिन खराब जाता है तो वो बॉलर्स के लिए बॉलिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से छठा बॉलर लेकर भी आप उतर सकते हैं। तो इसी की वजह से मैं ऐसा पर्टिकुलर प्लेइंग 11 बताया हूँ, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। सबसे पहले मैं रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन को ओपन कराया हूँ, उसके बाद तीसरे नंबर में विराट कोहली, चार नंबर में मैं श्रेयस अय्यर को रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर उसने पीछे बैटिंग करने वाला प्लेयर ही नहीं है, क्योंकि आप ऋषभ पंत को आगे खिला रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत पीछे आकर भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया लप्पे मार सकता है, लेकिन श्रेयस अय्यर को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्लीज श्रेयस अय्यर को आगे खिला दीजिए, चार नंबर पे खिला दीजिए। उसके बाद पांच नंबर पे ऋषभ पंत, जो कि इस टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करने वाला है। उसके बाद आता है छह नंबर पे हार्दिक पांड्या, नो डाउट खेलने वाला है, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। उसके बाद सात नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर, आठ नंबर पे शार्दुल ठाकुर को ही मैं रखा हूँ। उसके बाद नौ नंबर पे मैं दीपक चाहर को खिलाना चाहूंगा, क्योंकि टी नटराजन फिट नहीं है, तो दीपक चाहर को प्लीज खिला दीजिए, क्योंकि इस पिचेस में स्विंग अच्छा खासा है पहले के टाइम में, तो भूमि के साथ दीपक चाहर बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है, और भूमि तो बाद में भी बॉलिंग कर सकता है, तो दीपक चाहर को देखकर आप पहले के ओवर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है 10 नंबर पे भुवनेश्वर कुमार, और लास्टली 11 नंबर पे युजवेंद्र चहल। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इंडियन टीम का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 हो सकता है। आप कितना सहमत है इस प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 से, वो आप लोग मुझे जरूर कॉमेंट करके बता सकते हैं। और एक बात मतलब जो नोटेबल बात है कि सूर्या कुमार यादव को एक मैच में चांस दिया गया, फिर भी नहीं खिलाया गया, और सेकेंड मतलब उसके बाद के मैच में ही ड्रॉप कर दिया गया, तो ये क्या आप लोगों के लिए सही लगता है, वो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये सूर्या कुमार यादव के साथ नाइंसाफी किया गया है, मतलब नाइंसाफी बता नहीं सकते, क्योंकि जो पहले से खेलते आ रहा है उनको चांस तो देना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों खिलाया गया है कि, तो आप लोग नहीं खिलाते सूर्या कुमार यादव को तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही बताना चाहूंगा कि आप लोगों का क्या राय है इसके बारे में, वो आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि ये एक बहुत ही वैल्यूएबल नोट है हमारा फैंस के लिए, हमारे इंडियन टीम के लिए। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि दोनों टीमों में से कौन सा टीम जीतने वाला है इस मैच को, मतलब अगर प्रेडिक्शन किया जाए, तो मैच प्रेडिक्शन अगर किया जाए तो मुझे तो लगता है कि सभी मैच इंडिया ही जीत जाएगा, तो मतलब इसमें प्रेडिक्शन करने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारा इंडियन टीम टॉस जीतकर जीत जाता है तो मैच तो डेफिनेटली जीतेगा, लेकिन अगर टॉस किसी वजह से इस मैच में भी हार जाता है तो इंडिया का अगर ओपनर ठीक ठाक चल जाता है तो इंडिया को भी हराया नहीं जा सकता है, ये आप लोग भी समझ लीजिए, क्योंकि पिच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पिच बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मतलब सही बैट पर आ रहा है, और जो बाद में बॉलिंग कर रहा है ओस भी नहीं गिर रहा है, तो अगर ओस गिरता है तो ही बॉलिंग करने में प्रॉब्लम्स आता है, लेकिन ओस ही नहीं गिर रहा है, बॉल पूरा मतलब बहुत ही बढ़िया रहता है लास्ट के ओवर्स में भी, तो इसी वजह से इंडिया को अगर ठीक करना है, इस मैच को जीतना है, तो ओपनर्स को अच्छा करना पड़ेगा। तो यही मैं बताना चाहूंगा कि इस मैच को भी इंडिया जीत सकता है, तो मैं तो चाहूंगा कि इस मैच को इंडिया जीते, तो मुझे तो लगता है कि इंडिया 55% से और इंग्लैंड 45% से आगे पीछे रहने वाला है, क्योंकि इंडिया फुल पोटेंशियल से खेलने वाला है इस मैच को। तो आप लोगों का क्या राय है इसके बारे में, वो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो भी आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ऐसी वीडियो और भी डेली देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते क्या, सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए। तो आज के लिए बाय बाय, इतना ही, गुड बाय।